तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल था इस मशीन को लेके कि आप ये मशीन कहाँ से लाए हैं और कितने में मिलता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं बता दूंगा, इसका इसका जो सेटअप का खर्चा वो मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मशीन जान के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मानते हैं कि अगर आर्क वेल्डिंग आप मशीन ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आर्क वेल्डिंग मशीन लाएँ और रॉड लाएँ, आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप मशीन ले लिए, ठीक है, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ जो प्रोसेस है। इसमें जो मशीन आप ले ली है, मशीन लेने के बाद सिलेंडर लेना पड़ता है, उसके साथ रेगुलेटर वगैरह, होस पाइप वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब खर्चा है, ठीक है। आप सोचे ऐसे वेल्डिंग मशीन ले ले रहे हैं, मानते हैं अगर 15,000 आप वेल्डिंग मशीन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 15,000 में आप ले लिए तो बस हो गया। वो रॉड 200-300 का आता है, एमएस का या एसएस का 1,000-1,200 में आता है, तो आप ले लिए तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मशीन लेने का मतलब है कि और आप अगर 15,000 रुपये में लिए हैं तो और आपको 15-20,000 तक खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि गैस का जो है, गैस फिल कराने का उसका 2,000-3,000 जो भी लगता है, आपके वहाँ कितना लगता है वो तो पता नहीं, मतलब सब जगह का अलग अलग रेट है। और जो फर्स्ट टाइम अगर गैस जो लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, उसका मतलब सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। आप कहीं 10,000 लेते हैं, कहीं 5,000, कहीं 15,000 लेते हैं, उस हिसाब से लेते हैं। तो मान लीजिए 20,000 जैसे सिलेंडर में आपको खर्चा होगा, सिलेंडर और रेगुलेटर होस वगैरह वो सब में। इसके साथ क्या है कि इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं मिलती, इसके साथ जो ये होल्डर है वो ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं। हाँ, और जो आर्क होल्डर है वो भी मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ खास लंबा नहीं रहता, ज़्यादा छोटा रहता है, तो उसके लिए आपको केबल एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। तो मानते हैं कि अगर आप ये मशीन लेते हैं तो मैं अगर बता दूँ किसी के 15,000 में ले लीजिए तो मेरे कहने से नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही बेस्ट ब्रांड है, यही लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके वहाँ जो मशीन चल रहा है, देखिए मतलब मार्केट में कि कौन सा मशीन चल रहा है, कौन सा ब्रांड का मशीन चल रहा है। अब ज़रूरी है कि आर्गन वेल्डिंग मशीन, आप कहिए कि मेरे यहाँ तो आर्गन मशीन चलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्गन वेल्डिंग मशीन ही देखिए, मतलब जो आर्क वेल्डिंग मशीन मार रहे हैं 200 एम्पीयर का, 300 एम्पीयर का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ, मतलब बहुत सारे लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं कि गैरेज तो होगा ही ऑब्वियसली, तो वहाँ जाके देखिए कि कौन सा मशीन, कौन सा ब्रांड ज़्यादा चल रहा है, वही ब्रांड का आप टिक वेल्डिंग मशीन ले सकते हैं। क्योंकि जो ब्रांड आर्क वेल्डिंग बनाते हैं वही ब्रांड आर्गन वेल्डिंग भी बनाते हैं, मिग वेल्डिंग भी बनाते हैं, मतलब सभी वेल्डिंग बनाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वेल्डिंग मशीन लेना ही है तो आपके वहाँ जो अवेलेबल है, ठीक है, और जो अच्छा चल रहा है वही लीजिए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट ब्रांड होगा। और प्राइस की बात है तो 15,000 से शुरू होते हैं, अगर उससे भी कम का लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता उससे कम का मिलता है, बट मिलता भी होगा तो शायद वारंटी नहीं होगा, बट बिना वारंटी वाला ना ले, ठीक है। तो 15,000 से ऊपर का आता है, मतलब शुरू होता है 15,000 से, तो अगर 15,000 का भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वारंटी है 1 साल का 2 साल का जो भी है तो ठीक है, बिना वारंटी वाला मत लीजिएगा, मैं उसे अवॉइड करने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वो ठीक नहीं रहते हैं और जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कब ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप लेते हैं 15,000 का ले सकते हैं, 20,000 का ले सकते हैं, 25,000-30,000 का, ये अगर देखा जाए तो ये 23,000 का आता है, ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट में कितना आता है पता नहीं मुझे, क्योंकि ऑनलाइन से आप लेना भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ऑनलाइन से आप सामान लीजिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होता है, ठीक है। मानते हैं अगर अभी ले लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ख़राब हो गया, तो फिर जहाँ आपके वहाँ रिपेयरिंग सेंटर वहाँ बनवाने जाइएगा तो वो ज़्यादा नौटंकी करेंगे, मतलब पैसा ज़्यादा मांगेंगे, या बोलेंगे नहीं होगा मुझसे, ये सब बातें। इसीलिए वहाँ जो ब्रांड अवेलेबल है वही लीजिए, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप चाहे 15,000 का लीजिए, 15,000 शुरू होता है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 बहुत महंगा महंगा आता है, ठीक है। वाटर कूलिंग सिस्टम जो आता है 1-1.5 लाख के भी आते हैं, ऐसा भी है, तो ज़रूरी नहीं है वो सब। अगर मानते हैं आपका नॉर्मल काम है, अगर मेरे तरह जो काम है तो 200 एम्पीयर का ले सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका ज़्यादा काम है, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा, तो आप 300 एम्पीयर का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आराम से चला सकते हैं। और सोचते हैं कि अगर कितना देर इसे चलाना चाहिए, कितना देर चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप दिन भर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर वेल्डिंग तो नहीं मार करेंगे, लेकिन अगर दिन भर वेल्डिंग आपको मारना है तो 300 एम्पीयर का ले लीजिएगा, ताकि अगर आप दिन भर अगर वेल्डिंग मार रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दिन भर क्या, आप आधे घंटा वेल्डिंग मारेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मारिएगा। तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये सवाल था, कि उसका जवाब देने की मैंने कोशिश किया, और तो इसी बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। और बाकी अगर इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मेरा इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ जो भी सवाल है आपका पूछ सकते हैं वहाँ, और नंबर भी दिया हुआ है मेरा, आप अगर चाहते हैं कॉल करें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वो सब के बारे में जानना है तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं जो कि मेरा मेन चैनल है, वहाँ जाकर आप जो भी जानना है, जानकारी चाहिए, वहाँ ले सकते हैं। टिक वेल्डिंग कैसे मारा जाता है, टिक वेल्डिंग कैसे सीखा जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसमें बताता हूँ मैं, और उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।